डिफरेंट रिजॉर्ट्स की लॉटरी लग जाती है समर्स में एक्चुअली में। वेल, आपके एंड से क्या अपडेट्स हैं आप मेरे साथ शेयर करेंगे रेडियो आवाज के पेज पे जाएंगे लेटेस्ट अपडेट्स हम वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, अपने रिव्यूज व्यूज दे सकते हैं। इरफान तारिक हमें सुन रहे हैं, कह रहे हैं ऑसम, थैंक यू। आसिफ अवान कह रहे हैं ऑसम, थैंक यू सो वेरी मच। एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सॉन्ग। इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक। कीप ऑन कमेंटिंग ऑन रेडियो आवाज पे, कीप स्माइलिंग, रब ने हैव अ सेफ ड्राइव। आवाज आवाज तेरे यारा खास बात लगती है आपको, गर्मियाँ क्यों अच्छी लगती हैं आपको? आप मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करेंगे, करना क्या है आपको, रेडियो आवाज के पेज पे जाएंगे, वहाँ पे स्टेटस अपडेट है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। कॉल्स आई डोंट नो मैं आज लूँ या ना लूँ, लेकिन अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप रेडियो आवाज के पेज पे ही दें, तो मैं वहीं से शामिल करूंगी। और इसके साथ साथ मेरे पास फीडबैक भी था जो मुझे शामिल करना था। अंस चीमा है, सलाम सबको फ्रॉम स्पेन, स्वीट वॉइस सेनअप, थैंक यू। आप हमें स्पेन से सुन रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच, और आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने शो में। कहते हैं गर्मियों में ठंडी हवा में छत पर जाने का अपना ही मजा है, और लॉन्ग ड्राइव पर जाके कुछ ठंडा खाने पीने का अपना ही मजा है। सही कह रहे हैं आप, वैसे ठंडी हवा तो वैसे मुश्किल से ही आती है, लेकिन यस गर्मियों में लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं आप रात में, और कुछ ठंडा खाने का वैसे वाकई अपना मजा है। कि गर्मियों में अगर आप ठंडे की बात करें तो डिफरेंट स्टॉल्स जितने जो फेरी वाले होते हैं, गोला गंडा खाने का कितना मजा आता है, कुल्फी खाने का कितना मजा आता है, आइसक्रीम खाने का, और कौन कौन सी चीजें होती हैं आप मेरे साथ शेयर करेंगे। अली अमार सुन रहे हैं, ओके थैंक यू सो वेरी मच। रणवीर खान सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। क्या ऑसम लिखा होता है और नाइस लिखा होता है, बता करें ना क्या शो में ऐसी क्या खास बात है, डिटेल मैसेज कर दिया करें, कोई बात नहीं। इस बुक पे कौन सा पैसे लगते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी ना। और जनाब अगर आप भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं, फेसबुक की सर्च ऑप्शन में जाएं, रेडियो आवाज सर्च करें, वहाँ पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। कोई गाना सुनना चाहते हैं तो वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तक मैंने आई थिंक दो जो गाने चलाए हैं वो रिक्वेस्ट से ही चलाए हैं। अगर आप भी कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। रुमान खान कहते हैं नाइस वॉइस नाइस शो, थैंक यू। और ये कहते हैं कि आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, ओके नाइस। और जनाब आपको समर्स की क्या खास बात लगती है आप मेरे साथ शेयर करेंगे, गर्मियों में ऐसा क्या करना आपको अच्छा लगता है, गर्मियां किस हवाले से अच्छी लगती हैं? वैसे अगर मैं बात करूँ शॉपिंग से रिलेटेड, वैसे तो आप समर्स में शॉपिंग पे कम ही निकलते हैं, लेकिन अब अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे मॉल्स खुल चुके हैं कि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, बाज़ारों में खवार नहीं होना पड़ेगा।
आप डायरेक्ट मॉल जाएं, ठंडा माहौल है वहाँ पे, आप जाएं आराम से, सुकून से शॉपिंग करें। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द शॉपिंग मॉल आज के वहाँ पे फूड कोर्ट होते हैं, और फूड कोर्ट की खास बात ये होती है कि एक ही जगह पे बैठ के आपके पास 10,000 ऑप्शंस होती हैं कि आप कहाँ से खाना ऑर्डर करें, क्या खाएं। तो ये लास्ट 2-3 सालों से पाकिस्तान में, लाहौर में खास तौर पे, ये एक बेस्ट थिंग हुई है। शॉपिंग मॉल्स अच्छे खुल चुके हैं, और आप गर्मी हो या सर्दी, यू कैन गो एनी टाइम, और आप जाके मस्त मॉल में शॉपिंग कर सकते हैं एक ही जगह पे। ऑलमोस्ट हर ब्रांड होता है वहाँ पे, जितनी ज़्यादा चॉइस होती है उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है, लेकिन आसानी भी उतनी ज़्यादा होती है। और अगर समर्स में शॉपिंग के हवाले से हम बात करें तो आई थिंक कपड़े पहनने की भी ज़्यादा ऑप्शन होती है आपके पास, आप बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स पहनते हैं, लाइट कलर्स पहनते हैं, यू हैव मोर वैरायटी। क्योंकि विंटर्स में होता है आपको ज़्यादा पैकअप होना पड़ता है, ये भी पहन लो, ये भी पहन लो, सर्दी ना लगे इस तरह से। और समर्स विंटर्स में होता भी है कि आपके पास समाओ मैचिंग भी नहीं होती यार, मतलब आपको होता है कि यार अब मैं क्या पहनूं, ये स्वेटर मैच नहीं कर रहा, ये जैकेट मैच नहीं करी, और ये मैच नहीं करा, वो मैच नहीं करा। तो समर्स में उस लिहाज से इस तरह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आप कोई भी कुर्ता पहन लें, वाइट दुपट्टा मैच कर लें, ब्लैक दुपट्टा मैच कर लें। और समर्स कपड़ों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट द बॉयज़, तो बॉयज़ के पास भी आई थिंक काफ़ी ऑप्शन होती हैं। समर्स में आपको थोड़ा, विंटर्स में आपको थोड़ा सूटेड बूटेड होना पड़ता है, मैचिंग जैकेट पहन ली, अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, मैचिंग शूज़ होने चाहिए। समर्स में तो आपने टी शर्ट पहनी सिंपल से जीन्स के साथ मैच कर लिया, या कुर्ता पहन लिया। तो डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं हमारे पास समर, इस लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको किस लिहाज से समर ज़्यादा अच्छा लगता है आप मुझे बताएंगे। आपको करना क्या है जनाब, आप रेडियो आवाज़ के पेज पे जाएंगे, वहाँ पर जाके आपके पास स्टेटस होगा, वहाँ पे अपडेट स्टेटस पे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको समर किस लिहाज से अच्छा लगता है। फातिमा ने हमें रिक्वेस्ट की है तेरे बिना की, फातिमा दिस इज फॉर यू। Don't go anywhere, stay tuned, I'll be right back and keep on commenting on Radio Awaaz page. Shaam hai na savera hai tanha hoon main, phir bhi tanha nahi, dar ye hai ke fana ho na jaan. जनाब मैंने आपसे पूछा है कि आपको समर्स की क्या खास बात लगती है, गर्मियाँ क्यों आपको अच्छी लगती हैं, आप मुझे बताएंगे। वेल अगर खाने पीने के हवाले से बात की जाए तो समर्स में बेस्ट थिंग अबाउट द फ्रूट इज मैंगो। सो मैंगोज अभी आए तो नहीं है लेकिन आने वाले हैं, रास्ते में है। आई होप आप लोगों को पसंद होंगे, और मैंगोज से क्या क्या कुछ बनता है ये आने वाले कुछ शोज में मैं आपको बताऊंगी। आपको आइडिया होगा कि यार क्या है ज़ैनब, कोई शेफ है या कोई ब्यूटिशियन है या कोई साइकोलॉजिस्ट है, क्या है। सो आने वाले शोज में आपको काफ़ी सरप्राइज देने वाली हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करने वाली हूँ, सो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। उसके लिए करना क्या होगा, आपको मेरा शो सुनना होगा हर हफ्ते और इतवार की दोपहर 2 से 4। और जो मेरे अभी तक के रेगुलर लिसनर्स हो गए हैं, थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों का प्यार है जो मुझे यहाँ हर हफ्ते और इतवार की दोपहर ले आता है। आयशा कहती है आवाज़ अच्छी है, थैंक यू आयशा।
यार ये माइक का कमाल होता है शायद, आवाज इतनी अच्छी ना भी हो, जब आप माइक पे आके बोलते हैं ना तो आवाज खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। और पता है क्या, अभी तो ये सादी आवाज है, लाइक अगर आपको कभी फ्लू हुआ हो ना, किसी आरजे को फ्लू हुआ हो, तो वो आवाज सुनना, वो कितनी खूबसूरत आवाज होती है। लेकिन हाँ समाओ कुछ नेचुरल चीजें भी होती हैं, अल्लाह ताला की देन होती है। थैंक यू सो वेरी मच। बात कहाँ से शुरू होती है, कहाँ को निकल जाती है। 254 ऑन द डायल हमारा आपका साथ रहेगा ठीक 4 बजे तक। आप मुझे बता रहे हैं कि समर्स की क्या खास बात लगती है आपको। अच्छा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द ऑब्जर्वेशन थिंग, कि मैं आपको बताई थी कि हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो उसमें से एक चीज़ जो मैं पिछले दिनों ऑब्जर्व कर रही थी कि हम जब भी बाहर ट्रेवल कर रहे होते हैं, रास्ते में होते हैं, तो सिग्नल्स पे हमें बहुत सारे जो मांगने वाले मिलते हैं, ठीक है, जिन्हें फकीर कहते हैं हम लोग। तो हर सिग्नल्स पे आपको 5-10 मिल रहे होते हैं। सो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को नोट किया है कि जो लोग गाड़ी में होते हैं, जब आपसे कोई फ़कीर मांगने आता है, तो बहुत ज़्यादा लोग उन्हें बहुत हकारत भरी नज़रों से देख रहे होते हैं और अजीब सी शक्ल बना लेते हैं। और अगर आपका शीशा नीचे है गाड़ी का, फटाफट से ऊपर कर लेते हैं, शेड लगा लेते हैं। और अगर कोई आता है तो आप उसे लाइक बहुत बुरे तरीके से पेश आते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को, मैं मेजोरिटी नहीं, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है ऐसा करते हुए। तो जनाब मेरा मैसेज सिर्फ ये रहेगा, हाँ ठीक है, सम हाउ दे आर डूइंग रॉन्ग, कि उन लोगों को इस तरह से नहीं मांगना चाहिए सिग्नल्स पे। जो हमारा जितना भी ये फकीर माफिया होता है, इन लोगों को नहीं मांगना चाहिए कुछ ना कुछ, वो अच्छे खासे होते हैं। अल्लाह ताला ने आपको हाथ पांव दिए, थोड़ी मेहनत करें तो आप क्यों नहीं कुछ मेहनत से क्यों नहीं कमा सकते। तो ऐसा होता है, बट खैर इफ दे आर डूइंग रॉन्ग, लेकिन अगर वो कुछ गलत करें तो आप प्लीज़ गलत ना करें। आप उन्हें उतनी हकारत भरी नज़रों से मत देखें, आप उन्हें ना चिढ़ाएं, आप उन्हें ना झिड़कें। अगर कोई आपसे कुछ मांग रहा है और आपके पास इतनी इस्तेआत है कि आप उसे दे सकते हैं, तो ज़रूर दें, क्योंकि इससे आपकी ही मनी प्योरीफाई हो रही होती है, आपके ही रिस्क में इजाफा हो रहा होता है। कभी भी सदका निकालने से, खैरात करने से आपके पैसों में कमी नहीं आती। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को समझ ही नहीं आती। हमें लगता है कि शायद हम सदका खैरात करते हैं तो, या हम अपने पैसों में से कुछ हिस्सा गरीबों को दे देते हैं, तो शायद हमारे पैसे कम हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इस चीज़ का वादा किया है कि तुम मेरे रास्ते में दो तो मैं तुम्हें 10 गुना ज़्यादा दूंगा। तो हमें इस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए। और कोई बात नहीं, अगर वो आपसे मांग रहे हैं तो आप उन्हें दे दें, अगर आपकी इतनी हैसियत है तो आप ज़रूर दें। क्योंकि अगर अल्लाह ताला आपको आपके हक का देता तो शायद हमारे पास वो कुछ ना होता जो हमारे पास अब है। सो अगर कोई आपसे ना हक मांगे उसे भी दें, और अगर कोई आपसे हक का मांगे तो उसे भी दें। कभी भी किसी को हकारत भरी नजरों से मत देखें, किसी को ना झड़कें। ये एक खास चीज थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो कोशिश करें जितने भी फकीर, जितने भी लोग मांगने वाले आपको मिलते हैं, उनसे आराम से पेश आए, प्यार से पेश आए। बल्कि कोशिश किया करें कि अगर आप महीने में या हफ्ते में कोई सदका नहीं भी निकाल सके, तो गरीब लोगों को ढूंढ के उन्हें पैसे दें। अगर आपको लगता है कि आपके पैसों में कमी आ रही है, आपके हालात खराब हो रहे हैं, आपके रिस्क में बेबरकती हो रही है, तो अपने जो पैसे हैं उनमें से गरीबों को बांटें, तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में और आपके पैसों में ज़रूर बरकत अता करेंगे। तो जनाब दिस वाज द थिंग जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। एंड आई एम रियली यू नो आई फील सो ब्लेस्ड कि आई हैव सच अ प्लेटफॉर्म कि मैं यहाँ पे आके लोगों से ऐसी बातें डिस्कस कर सकती हूँ। अगर आपके दिमाग में भी ऐसी कोई बात है जो आपको लगता है कि हमें ऑन एयर डिस्कस करनी चाहिए, कोई ऐसा मौजू है जो आपको लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए, तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करेंगे। रेडियो आवाज़ के पेज पे जाएंगे, वहाँ पे स्टेटस अपडेट है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, रिव्यूज व्यूज हमें दे सकते हैं। उसके अलावा जो आप कोई दिमाग के दार से गाना सुनना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। आज रिक्वेस्ट की मुंतजर हूँ मैं, ज़रूर आपका गाना चलाऊंगी, आपका नहीं किसी सिंगर का गाना चलाऊंगी आपकी रिक्वेस्ट पे। और अगर वो गाना किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं आप, तो यू आर मोर देन वेलकम। समर से रिलेटेड आपको क्या खास बात लगती है, आप मेरे साथ शेयर करेंगे। गर्मियां आपको क्यों अच्छी लगती हैं,
अगर नहीं अच्छी लगती तो क्यों नहीं अच्छी लगती यार? अब तो शायद वो चार मौसम जो गर्मी सर्दी खिजां बहार हुआ करते थे वो भी अब उस तरह से प्रॉपर नहीं होते। शायद हमारे गुनाह इतने ज्यादा हो चुके हैं कि अल्लाह ताला ने थोड़ा हाथ खींच लिए, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए हर उस बात पे। मुझे कहते हैं जनाब मैं आपका साथ रहेगा, ठीक 4 बजे तक। हम आधी छुट्टी से वापस आ चुके हैं और अब हमें पूरी छुट्टी का इंतजार होगा। वैसे जनाब आज तो संडे है और आज सैटरडे, संडे को मेरा शो होता है तो संडे इज द लास्ट डे ऑफ माय शो, तो मैं थोड़ी उदास हो जाती हूँ क्योंकि मुझे मेरी अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते ही। तो मैं चाहती हूँ कि जो 1 घंटा है 2 घंटों का हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं, हम ज्यादा सारी बातें करेंगे तो ये इस 1 घंटे का पता भी नहीं चलेगा। कल मैंने आपसे पूछा है कि आपको गर्मियों की खास बात क्या लगती है, आप मुझे बताएं कि आपको करना क्या है। फेसबुक की सर्च ऑप्शन में जाना है, रेडियो आवाज का पेज सर्च करना है, वहाँ पे स्टेटस हैज बीन अपडेटेड ओवर देयर, सो यू कैन कमेंट और आपके रिव्यूज में जरूर शामिल करूंगी। अच्छा जनाब, फीडबैक शामिल करना था। उमर मलिक हमें सुन रहे हैं, कह रहे हैं सलाम जैनब, शो इज नाइस गोइंग, माशाल्लाह यू आर लुकिंग ऑसम एंड वॉइस इज कमाल, गर्मी में स्विमिंग पूल समर वेकेशन होने पर खुशी का भी अपना ही मजा होता था, मिसिंग दैट इज। और जो समर वेकेशन में इतना ज्यादा होमवर्क मिलता था उसका मजा आता था क्या? वैसे उसकी भी अपना ही एक चार्म होता था। और हमारे साथ ऐसा होता था कि मुझे अगर समर वेकेशन का होमवर्क मिलता था तो मैं कोशिश करती थी फटाफट 10-15 दिनों में समर वेकेशन का होमवर्क खत्म करें, जान छूटे होमवर्क से, और फिर नानू के घर चले जाया करते थे और वहाँ पे बाकी की छुट्टियां गुजार के आया करते थे। अक्सर नानी का घर या नानू का घर ऐसा होता है कि मेजोरिटी जा रही होती है वहाँ पे, जिनके ननिहाल और ददियाल दूर रहते हैं, डिफरेंट गाँव में रहते हैं या डिफरेंट शहरों में रहते हैं, तो अक्सर लोग वहाँ पर जाया करते थे। बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो कुछ पिकनिक प्लान कर लेते थे, कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। तो आप किस तरह से अपने समर को ज़्यादा इंजॉयबल बनाते हैं, आप मेरे साथ शेयर करेंगे? अच्छा जनाब, कुछ और फीडबैक भी है मुझे शामिल करना है। सलीम ने रिक्वेस्ट